विंजो में डेड किल गेम कैसे खेले। जी दोस्तों, अगर आप जो है विंजो ऐप में डेड किल गेम खेलकर अर्निंग करना चाहते हो तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास विंजो ऐप नहीं है तो आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से विंजो ऐप को डाउनलोड कर लो। विंजो ऐप में आपको काफ़ी तरीके का गेम मिलता है जिसको यहाँ पर आप जो है खेल कर अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा विंजो ऐप के अंदर जो डेड किल वाला जो गेम है उसको किस तरीके से खेला जाता है और उसमें जो आप जो है कैसे हाई स्कोर कर सकते हो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप जो है शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। जैसे आप जो है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से विंजो ऐप को डाउनलोड करोगे, डाउनलोड करने के बाद आप जो है उस ऐप को ओपन करोगे तो आपको रजिस्टर करने के लिए बोला जाएगा। तो आप अपना मोबाइल नंबर डाल के यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप जो होम वाले बटन पर आ जाइए और यहाँ पर आपको काफ़ी तरीके के गेम मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप नीचे आइएगा, नीचे में आपको मिलता है डेड किल वाला जो गेम है वो, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ। नीचे आने के बाद यहाँ पे एक्शन वाले जो कैटेगरी है उसी में है, यहाँ पे लास्ट में डेड किल गेम, ठीक है, ये आप देख सकते हो। अगर आपको यहाँ पे नहीं मिलता है तो आप सिंपली यहाँ पर सर्च भी कर सकते हो, यहाँ पर डेड किल लिख के, ठीक है, आपको वो गेम जो है मिल जाएगा इस तरीके से। इसको आप क्लिक करके ओपन करिएगा। ओपन जैसे ही करोगे इस तरीके से आपको बताया जाएगा किस तरीके से इसको परफॉर्म करना है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम पार्टिसिपेट करने से पहले एक बार ट्रायल करते हैं गेम को खेल के किस तरीके से इसको खेला जाता है और आपको समझाता हूँ, उसके बाद यहाँ पे हम पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको गेम किस तरीके से खेला जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो प्ले नाउ पे हम क्लिक कर दिए हैं। अब देखिए दोस्तों, जैसे ही आप जो है किसी भी गेम को खेलते हो तो यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रो में आपको बताया जाता है किस तरीके से खेला जाता है करके, ठीक है। चलिए हम इसको स्किप करते हैं और मैं आपको जो है गेम जब प्ले हो जाएगा उसके बाद किस तरीके से खेला जाता है वो अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, आपको समझाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली खेलना क्या रहता है, यहाँ पर जॉम्बीज वगैरह रहता है उसको आपको फिनिश करना होता है, ठीक है ना। जैसे जैसे आप जो फिनिश करोगे, जितना लोगों को फिनिश करोगे उतना आपका स्कोर बनेगा और जितना ज़्यादा आपका स्कोर बनेगा उतना आपका जो है जीतने के चांस ज़्यादा होंगे, जिससे आप जो अच्छा खासा इनकम यहाँ पर जनरेट कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर जॉम्बीज को किल करना होता है और उसके लिए आपको टूल दिया जाता है। तो यहाँ पर टूल आप समझ सकते हो, इसको टूल बोलते हैं, मैं आपको बोल के नहीं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर ये टूल आपको दिया जाता है और यहाँ पर आपको यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे जो आपको ये सर्कल दिखाई दे रहा है ये ग्रीन वाले आप हो जहाँ पे हो, और ये जो रेड लाइन में दिखाई दे रहा है वो जॉम्बीस है, यानी कि वो जॉम्बीस आपके पास में है वो कहाँ पे है रेड लोकेशन से आप पता कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप मूवमेंट कर सकते हो। यहाँ पर भी जॉम्बीस आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर जॉम्बीस है। और यहाँ पर उसके अलावा अगर आपको इसको फायर करके फिनिश करना है तो आप इस पर क्लिक करिएगा। ये देखिए, हमने एक जॉम्बीज़ को फिनिश किया और जितने जॉम्बीज़ को हम फिनिश करेंगे उतना हमारा ये स्कोर है वो बनेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो 10 स्कोर हो गया है और यहाँ पे एक और जॉम्बी आ गया है, इसको भी हम फिनिश करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक और जॉम्बी को फिनिश कर दिया है। अब अगर हमको जो है इस टूल का जो है वेपन को रीलोड करना है तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, ये जो साइड में बटन है इस पर, ठीक है। तो इस तरीके से रीलोड हो जाएगा। और यहाँ पे वेपन को चेंज करना है तो आप इस तरीके से चेंज कर सकते हो, ठीक है, आपका वेपन चेंज होते जाएगा, ये देखिए इस तरीके से। और इस पर कितने एमोज वगैरह है वो दिया है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। और इस तरीके से आप फायर करेंगे और रीलोड करना रहेगा एमो को, तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये रीलोड कर देगा। और इसमें आप फायर कर सकते हो, इसमें आप जो है जो स्कोप है वो लगा सकते हो और इसमें आप जंप कर सकते हो और इस पर आप जो है दौड़ वगैरह सकते हो। और अगर आपको आगे जाना रहेगा तो आप आगे भी जा सकते हो, उसके लिए आप जो है यहाँ पे इसको टूल को इस्तेमाल करोगे इस तरीके से। तो इस तरीके से आप आगे जाओगे और आगे जाने के बाद यहाँ पे जॉम्बीज वगैरह दिखेगा, उसको आप इस तरीके से फिनिश करोगे। और लास्ट में एक चीज़ आपको ये रहेगा कि आपका जो है यहाँ पर जो टाइमिंग है वो ख़त्म हो जाएगा, तो उससे पहले आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर बनाइएगा। और यहाँ पर जॉम्बीज अगर आपके ऊपर अटैक करता है तो आपका स्कोर घटता है, ठीक है ना। जिस तरीके से आप जो है जॉम्बीज को फिनिश करोगे तो आपका स्कोर बढ़ेगा, लेकिन उसी तरीके से अगर आप जो है जॉम्बीज से मार खाओगे तो आपका जो स्कोर है वो घटेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको खेला जाता है, मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। अब इसको खेल के आप जो है अच्छा खासा स्कोर बना सकते हो और यहाँ पर अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हो। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। मैंने आपको पूरा डिटेल बताया है किस तरीके से उसको खेलना होता है। तो चलिए एक बार मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। तो प्ले करने के लिए मैं वापस से गेम को क्लिक करूँगा और इसको स्टार्ट करता हूँ, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम प्ले करेंगे और यहाँ पे फिर से हम ट्रायल ही करके आपको बता देते हैं किस तरीके से आपको खेलना है।
मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, चलिएगा मैं आपको खेल के दिखाता हूँ और देखते हैं मेरा स्कोर कितना बनता है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है गेम। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारा जो YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे में आपको लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप जो है हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन को आप पे सेलेक्ट कर ले। चलिए दोस्तों मैं मिल लूँगा किसी नए वीडियो पे, जब तक के लिए आप जो इस वीडियो को देखिए और यहाँ पे आप देखिएगा किस तरीके से मैं जोमिस को फ्रीज करता हूँ। हम आगे जाएंगे अब, बहुत बार यहाँ पे अगर आपको फिनिश, अगर वो ज़ॉम्बी लोग मारेंगे तो आप फिनिश भी हो सकते हो। आपको इन सब से दूरी बना के यहाँ पे अच्छा स्कोर करना है दोस्तों, आप इनसे जितना दूरी बनाओगे उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और कोशिश करें जितना जल्दी आप जो है यहाँ पे वेपन को चेंज कर लें, क्योंकि रिलोड करने के लिए आपको जो है ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको खेलना है दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। चलिए दोस्तों मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो पर, तब तक के लिए गुड बाय।